ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप थ्योरी की कुछ नए एग्जांपल्स के साथ, पॉइंट ग्रुप्स की कुछ नए एग्जांपल्स के साथ। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी वो हमने डी ग्रुप की भी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी और सी ग्रुप की भी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी। क्राइटेरिया वही होगा जो हमारा मेथड है कि हम देखेंगे कि हमारा मॉलिक्यूल लीनियर है या नहीं है, फिर हम आगे जाएंगे स्पेशल, फिर डी ग्रुप, फिर सी ग्रुप और फिर फिफ्थ ग्रुप तक हम जाएंगे। ठीक है, तो आज का मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार क्लास में भी, जिस वक्त हम रोटेशन की बातें कर रहे थे और सिग्मास की बातें कर रहे थे, उस वक्त हमने ये मॉलिक्यूल देखा था। और इस मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये लीनियर नहीं है। ऑफकोर्स ये लीनियर नहीं है और ये स्पेशल भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसमें सी टू से ज़्यादा, यानी सी थ्री सी फोर तो है ही नहीं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक ही सी टू है और वो है आउट ऑफ द प्लेन। ये आउट ऑफ द प्लेन सी टू होने की वजह से, यानी ये हमारा जेड एक्सिस अगर है तो ये वाला सी एल यहाँ और ये वाला सी एल यहाँ आ जाएगा 180 की रोटेशन के बाद। वरना अगर मैं यहाँ से बाइसेक्ट करूँ, यानी इसको इस तरह इन्वर्ट करूँ, तब भी इसमें सी टू नहीं है। और अगर मैं यहाँ से बाइसेक्ट करूँ और इसको इस तरह इन्वर्ट करूँ, इसमें तब भी सी टू नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक ही सी टू है और वो है आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये लीनियर भी नहीं है, स्पेशल भी नहीं है, डी ग्रुप का भी नहीं है। डी ग्रुप का क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सी टू के परपेंडिकुलर दो सी टू नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही सी टू है, तो इसका मतलब ये सी ग्रुप का हुआ। अब जब सी ग्रुप का है तो अब हमें ये देखना है कि क्या इसमें सी ग्रुप की क्या चार बातें हैं। या तो सी एन एच होगा, या सी एन बी होगा, या एस एन होगा, या सी एन होगा। ठीक है ना, तो अब मुझे ये देखना है कि क्या इस मॉलिक्यूल में सिग्मा एच है। तो अगर आप देखें कि इसका जेड एक्सिस अगर आउट ऑफ द प्लेन है, तो आउट ऑफ द प्लेन बाइसेक्ट करता हुआ मिरर है इसके पास। यस, इसके पास है, जो कि इसको बाइसेक्ट करता हुआ मिरर ये वाला होगा, क्योंकि जेड एक्सिस अगर ये है आउट ऑफ द प्लेन इस तरीके से है, तो इसको बाइसेक्ट करता हुआ मिरर में ऐसे लगा। ठीक है ना, बिल्कुल बोर्ड के बिल्कुल पैरेलल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सिग्मा एच है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सी टू एच। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरी नेक्स्ट एग्जांपल है। और इस नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि एक मेटल है जो कि दो बाइडेंटेट लिगेंड के साथ बॉन्डेड है, और एक लिगेंड अबव द प्लेन और एक लिगेंड बिलो द प्लेन है। ठीक है, अच्छा ये लिगेंड डिफरेंट है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है और ये एक डिफरेंट लिगेंड है जिसको मैंने एल डैश कहा है, और नीचे वाले को भी मैंने एल डैश कहा है। ठीक है, अच्छा इसका मॉडल मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। पहले हम प्लेन वाले को देख लेते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, एक मेटल है जो ये येलो कलर का है, और ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है और ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है, राइट। और ये जो एल डैश है ये हो गया अबव द प्लेन, ठीक है, और एक ये हो गया बिलो, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक मॉडल तैयार हो गया है, जो कि मैंने ये बोर्ड पर बनाया है। इसको आप ये भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए। अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन व्हाइट कलर की स्टिक्स हैं, और ये हमारे दो बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। अब हमें ये देखना है कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, और इसके पॉइंट ग्रुप के लिए ऑफकोर्स मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये लीनियर नहीं है और ना ही ये स्पेशल है। अगर ये लीनियर भी नहीं है और स्पेशल भी नहीं है, तो मुझे ये देखना चाहिए कि इसमें जो भी इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, हम पहचान भी रहे होंगे कि ये सी टू है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से मूव करा रही हूँ तो इट इज़ सी टू। ठीक है, देखिएगा ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, यहाँ, और ये वाली यहाँ आ जाएगी। ठीक है, देखिए, तो इसमें ये सी टू मौजूद है। अब मुझे ये देखना है कि क्या इस सी टू के परपेंडिकुलर दो सी टू भी हैं या नहीं। तो इसमें दो सी टू और भी हैं, एक तो ये सी टू जो मेरे हाथ में एक्सेस है, ये एक एक्सेस है। इसके अलावा इसमें एक एक्सेस ये भी है, जो कि अभी फिलहाल यहाँ टॉप टू बॉटम है, ये वाला, यहाँ से यहाँ। यानी अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ तो आप देखिएगा कि ये सी टू किस तरह होगा, कि ये वाला, ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी। ठीक
ठीक है, यानी ये वाली जो मोइटी है वो इसके साथ आ जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी ऐसे। ठीक है, दिस इज सी टू, यहाँ से ये सी टू ये कौन सा वाला है, ये जो मैंने ये वाला रोटेशन एक्सेस पकड़ा है। एक सी टू है ये वाला, जिसमें ये वाली चीज़ इसके साथ एक्सचेंज होगी। ठीक है, कौन सी चीज़, ये इसके साथ एक्सचेंज होगी जब मैं इसको सी टू की तरह मूव करूँगी, तो ऐसे 180 के रोटेशन को इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ इसमें तीन सी टू हैं, एक तो ये वाला जो ये प्लेन के साथ है, एक यहाँ से यहाँ जो मैंने इसको इस तरह मूव किया था, इस तरह मूव किया था मैंने इसे, ठीक है, और एक जो है वो ये वाला सी टू मौजूद है इसके अंदर, जिसमें मैंने इसे इस तरह। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है वो एक सी टू है, और उस सी टू के परपेंडिकुलर दो सी टू और हैं, यानी ये डी ग्रुप का है, और डी ग्रुप का होने की वजह से, और क्योंकि इसमें सिग्मा एच भी हमें नज़र आ रहा है, अगर ये हमारा जेड एक्सिस है ये वाला, ठीक है, जो मेरे हाथ में जेड एक्सिस है, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ एटम से पास हो रहा है, तो हम इसको बाइसेक्ट करता हुआ अगर मिरर लगाएं तो हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर सिग्मा एच मौजूद है, दैट इज़ वाई इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ टू। अच्छा, वैसे ये देखें तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल क्यों है, क्योंकि नज़र आ रहा है हमें कि हमारे पास चार ये प्लेन में है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ऑक्टाहेड्रल ऐसा ही होता है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, सिमेट्री ऑक्टाहेड्रल नहीं है, इसका पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहेड्रल नहीं है। पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहेड्रल उस वक्त होगा जिस वक्त ये छः के छः लिगेंड सेम हो, ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, इसका पॉइंट ग्रुप है डी टू एच, क्योंकि इसमें एक सी टू है, उस सी टू के परपेंडिकुलर दो सी टू और हैं, इसके अलावा इसमें सिग्मा एच भी है, दैट इज वाई दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डी टू एच। ओके स्टूडेंट्स, ये एक और एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को समझने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ये 3D के अंदर मैंने इसको इस तरह बनाने की कोशिश की है कि ये जो कार्बन है ये जॉइंट है, और इस कार्बन में ये जो एक कार्बन के साथ तीन ग्रुप्स लगे हुए हैं, और ये तीनों प्लेन में हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, दूसरे कार्बन के साथ भी तीनों ही प्लेन में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें से एक आयोडाइड जो है वो सामने की तरफ है, ब्रोमाइड पीछे की तरफ है। इस कार्बन के अंदर ब्रोमाइड आगे की तरफ है और आयोडाइड जो है वो पीछे की तरफ है, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा 3D कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लें कि ये आगे है आयोडाइड, ठीक है, और इधर ब्रोमाइड है, अच्छा, अब हमें ये देखना है कि ये कौन सा ग्रुप है, लीनियर तो नहीं है ऑफ कोर्स, और बल्कि इसमें तो कोई सी भी मौजूद नहीं है, ठीक है ना, कोई रोटेशनल एक्सिस भी मौजूद नहीं है। मैंने इसका मॉडल बनाने की कोशिश की है, पहले हम इसको देख लेते हैं। लेट सपोज ये मैंने ये एक ये कार्बन बना लिया, ठीक है, इस कार्बन के अंदर ये जो ब्लू वाला है ये क्लोराइड है, और ये आयोडाइड है, और ये ब्रोमाइड है, ठीक है, ये इस तरीके से मैंने बना लिया है कि आयोडाइड आगे की तरफ है, ब्रोमाइड पीछे की तरफ है, और ये क्लोराइड अपसाइड पर है, ठीक। इसी तरीके से एक दूसरा जो कार्बन है, जो ये वाला कार्बन है, उसमें क्या है कि अब ये क्लोराइड अपसाइड नहीं है बल्कि ऐसे डाउन साइड है, ठीक है, ये वाला, और इसमें आयोडाइड पीछे चला गया है, ब्रोमाइड आगे आ गया है, और क्लोराइड इस तरीके से, ठीक है। और अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करती हूँ, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ ऐसे करके, ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दिया है, इसमें क्लोराइड अप, क्लोराइड डाउन, आयोडाइड आगे की तरफ, यहाँ आयोडाइड पीछे की तरफ, या यूं कह लें आयोडाइड पीछे की तरफ, आयोडाइड आगे की तरफ, ब्रोमाइड आगे की तरफ, ब्रोमाइड पीछे की तरफ, इस तरीके से ये एक मॉलिक्यूल बनाया है। अब इसके अंदर कोई सा भी सी प्रेजेंट नहीं है अगर आप देखें, क्योंकि सारे ही ग्रुप्स डिफरेंट हैं, तो इसमें कोई सा भी सी प्रेजेंट नहीं है, चाहे मैं ऐसे मूव करूं, चाहे मैं ऐसे मूव करूं, ठीक है, तो इसमें कोई रोटेशनल एक्सिस ही नहीं है। जब रोटेशनल एक्सिस नहीं है तो
तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली कहाँ चली जाऊंगी, सबसे आखिरी वाली ग्रुप में, जिसके अंदर या तो सी एस होता है या सी आई होता है या सी वन। ठीक है, सी एस होगा, सी इन्वर्जन होगा या सी वन होगा। अब क्या इसमें सिग्मा है? अगर मैं इसको इस तरह रखूं तो क्या इसमें कोई सिग्मा नजर आ रहा है? इसमें कोई भी सिग्मा भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे ही ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो उसमें कोई सिग्मा भी नहीं है। हाँ, लेकिन इन्वर्जन है इसमें। अगर मैंने इसको ऐसे रखा है तो आपको शायद नजर भी आएगा। इसमें इन्वर्जन कैसे है? ये वाला क्लोराइड अगर सेंटर की तरफ जाए तो हमें उतने ही डिस्टेंस कवर करने के बाद क्लोराइड मिलता है। अगर ये ब्रोमाइड है और मैं सेंटर की तरफ जाऊं और सेंटर से आगे की तरफ जाऊं तो मुझे उतने ही डिस्टेंस पे ब्रोमाइड मिल रहा है। अगर ये आयोडाइड है और मैं सेंटर की तरफ जाऊं और उतना ही डिस्टेंस कवर करने के बाद आगे की तरफ जाऊं तो मुझे आयोडाइड मिल रहा है। इस तरह सामने रखा हुआ बिल्कुल ऐसा आपको फील हो रहा होगा, अच्छे तरीके से बल्कि नज़र आएगा कि इसके अंदर इन्वर्जन प्रेजेंट है। एक्चुअली इसमें इन्वर्जन प्रेजेंट है। जब इसके अंदर कोई भी रोटेशनल एक्सिस नहीं है, कोई सिग्मा नहीं है, लेकिन इन्वर्जन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस पॉइंट ग्रुप का है? ये है सी आई ग्रुप। ठीक है, आप इसे घर में बनाए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके लिए टिप ये है कि एक ट्राइंगल आप अलग से बनाइएगा और एक ट्राइंगल आप अलग से बनाकर जब आप उन्हें ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से नज़र आएगा। इस तरीके से भी आप अगर रख के देखें, ये क्लोराइड इस क्लोराइड के अपोजिट है, ये ब्रोमाइड इस ब्रोमाइड के अपोजिट है, ये आयोडाइड आगे की तरफ है, ये आयोडाइड पीछे की तरफ है, तो ये इन्वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन प्रेजेंट है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। और मॉलिक्यूल है और हम देखते हैं कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो सकता है। शक्ल से नज़र आ रहा है कि बहुत ही अनसिमेट्रिकल है और इसमें कोई भी रोटेशनल एक्सेस नज़र नहीं आ रहा, मतलब मैं कहीं से भी इसको मूव करूँ, आउट ऑफ द प्लेन लूँ, तब भी इसके अंदर सी वन ही है। अगर यहाँ से ये वाला रोटेशनल एक्सेस लूँ तब भी सी वन है, ये वाला रोटेशनल एक्सेस लूँ तब भी ये सी वन ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई भी रोटेशनल एक्सेस नहीं। जब रोटेशनल एक्सिस नहीं है तो फिर वही तीन बातें जो मैंने अभी आपको बताई, या तो सी एस होगा या सी आई होगा या सी वन होगा। ठीक है, इन्वर्जन भी इसमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक सी एल तो है लेकिन दूसरी तरफ हमें कोई सी एल नज़र नहीं आ रहा, इसमें इन्वर्जन भी नहीं है। अब अगर इन्वर्जन भी नहीं है तो हम ये देखते हैं क्या इसमें सिग्मा है, कोई सा भी सिग्मा नज़र आ रहा है इसके अंदर? सिग्मा नज़र आ रहा है क्योंकि ये एक प्लेनर कंपाउंड है, बिल्कुल प्लेन के अंदर है। और अगर मैं इस पे एक ऐसा मिरर प्लेन रखूं जो कि बिल्कुल बोर्ड के पैरेलल हो, यानी ऐसा ऐसा मिरर रख दूं बिल्कुल इसके सामने मिरर हो, तो इसके अंदर वो सिग्मा मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जांपल है सी एस की, क्योंकि हमें पता है कि जब रोटेशनल एक्सिस नहीं होगा तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो सी एस होगा या सी आई होगा या सी वन होगा। इसमें इन्वर्जन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें सिग्मा है, दैट इज़ वाई इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सी एस। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और इसमें हम कोई भी एक टेट्राहेड्रल की एग्जांपल लेते हैं, और उस टेट्राहेड्रल में एक मेटल लेकर और मैं इसमें चार डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स लगा देती हूँ, एक ए लगा देती हूँ, एक बी लगा देती हूँ, एक सी और एक डी। ठीक है, तो एक्चुअली ये मैंने एग्जांपल दी है आपको सी वन की, क्यों? इसलिए कि इसमें कोई रोटेशनल एक्सिस होने का तो खैर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही इसमें कोई सिग्मा है और ना ही इसमें हमें कोई इन्वर्जन नज़र आ रहा है। इंतहाई अनसिमेट्रिकल ये मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कोई रोटेशनल एक्सिस भी नहीं है, कोई सिग्मा भी नहीं है, कोई इन्वर्जन भी नहीं है, तो ये एग्जाम्पल है सी वन। ठीक है, तो अब तक जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की हैं उसमें हमने लीनियर की भी एग्जाम्पल डिस्कस कर ली, हमने स्पेशल ग्रुप की एग्जाम्पल भी डिस्कस की हैं, डी ग्रुप को भी देखा है, सी ग्रुप को भी देखा है, और आज हमने मोस्ट अनसिमेट्रिक ग्रुप की भी एग्जाम्पल्स की हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स अभी आपको देंगे और समझे वो एक्सरसाइज होगी, आपकी होम एक्सरसाइज होगी। मैं कुछ मॉलिक्यूल्स देने जा रही हूँ आपको और आप मुझे बताएंगे कि उसका पॉइंट ग्रुप क्या है। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मैं आपको एज एन एग्जांपल दे रही हूँ। एक बेंजीन रिंग है, नंबर वन मैंने उसका नाम रखा है। तो जब आप मुझे इसका आंसर देंगे अपने कॉमेंट्स में तो इसी तरह लिखिएगा,
नंबर वन लिखिएगा और उसके आगे उसका पॉइंट ग्रुप लिखिएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये बेंजीन है या नहीं है, सिर्फ ये लिखिएगा कंपाउंड वन जो भी मैंने एग्जाम्पल वन दी है उसका पॉइंट ग्रुप क्या है, टू का पॉइंट ग्रुप क्या है, थ्री का पॉइंट ग्रुप, फोर एंड फाइव, पांच मॉलिक्यूल्स मैंने आपको दिए हैं और इन पांचों मॉलिक्यूल्स का आपने मुझे पॉइंट ग्रुप बताना है, ठीक है। इसे आप अपने पास नोट कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद आप मुझे इसका आंसर बताएं। तो अभी जो हमारी डिस्कशन है रिगार्डिंग पॉइंट ग्रुप वो ख़त्म होती है और नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इंशाल्लाह कुछ और मज़ीद बातें डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप देखें गूगल पर जाकर सिर्फ ये देखिएगा कैरेक्टर टेबल लिखिएगा, सर्च में जाकर लिखिएगा कैरेक्टर टेबल, तो कैरेक्टर टेबल लिखने पर आपको जिस तरह का टेबल नज़र आए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये कि देख लीजिएगा किस तरह की शक्ल होती है उसकी, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ C3V, ठीक है, एक मॉलिक्यूल दे रही हूँ आपको C3V और उस C3V का आप कैरेक्टर टेबल देख लीजिएगा कि वो किस तरह का दिखता है उसमें। अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि उसके अंदर जो मेन चीज़ जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो है इसके सिमेट्रिक एलिमेंट्स। जब आप C3V का कैरेक्टर टेबल देखेंगे तो उसमें उसके सिमेट्रिक एलिमेंट्स सबसे पहली लाइन में आपको लिखे हुए नजर आएंगे, बस वो देख लीजिएगा ताकि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ज़रा उसको डिस्कस कर सकें। तो अभी फिलहाल के लिए तो ये है कि आप मुझे इन सारे ही मॉलिक्यूल जो पांच मॉलिक्यूल्स मैंने दिए हैं इनका पॉइंट ग्रुप बताएंगे और इसके अलावा आपको मैं एक असाइनमेंट ये दे रही हूँ कि आप C3V का कैरेक्टर टेबल देखेंगे और उसके जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं वो ज़रा अपने जहन में रखेंगे कि इसमें कौन कौन से सिमेट्रिक एलिमेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि उस C3V के मॉलिक्यूल के साथ मुझे मज़ीद आपको क्या लेसन देना है। ओके।